Hi, Assalamu Alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, Barabanki, Uttar Pradesh. देखिए आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है. एक साहब ने हमारे YouTube चैनल पर रिक्वेस्ट की थी कि उनको आयुर्वेद का जो एक कैप्सूल आता है, जिसको हम लोग NF Cure कैप्सूल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में उनको बताया जाए. तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NF कैप्सूल, है ना, NF क्योर कैप्सूल के बारे में, कि ये बेसिकली क्या हैं, किस पैथी से ये बिलोंग करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. इसके खास खास कंटेंट और इंग्रेडिएंट क्या हैं, इसके अंदर जो हर्बल दवाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं, इसी तरीके से NF क्योर कैप्सूल जो है इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, इसके क्या इंडिकेशंस हैं, किन किन डिजीज और किन किन बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या हैं, इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, आपको क्या सच में NF क्योर कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको अगर इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप हो जाए जो इसके इंडिकेशन है, तो क्या सच में NF क्योर कैप्सूल जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में. सबसे पहले हम बात करते हैं कि NF क्योर कैप्सूल जो है बेसिकली वो क्या है. NF जो है ये शॉर्ट फॉर्म इन्होंने इस्तेमाल किया है. NF मींस नाइटफॉल. नाइटफॉल क्या होता है? एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस, कसरत इख्तलाम. रात में जब आप सोते हैं तो ख्वाब आते हैं आपको, और फिर जो है ख्वाब में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, किसी जो है फीमेल से इंट्रैक्शन होता है, और उसके नतीजे में जो है आपका जो सीमेन होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है. ये नॉर्मली अगर आपको एक महीने में एक मरतबा, 40 दिन में एक मरतबा, 25 दिन में एक मरतबा होता है, तो फिर इसमें कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल लेवल में माना जाता है. लेकिन अगर ये डेली बेसिस पे होने लगे, एक दिन में 2 से 3 मरतबा होने लगे, तो फिर ये जो है आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस कहलाता है. आपका आपकी जो ये कंडीशन होती है वो एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस कहलाती है. कसरत इख्तलाम में ये आ जाता है, जिसको हम लोग एक बीमारी कहते हैं. तो NF क्योर कैप्सूल जो है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में यही बताने का मकसद है कि ये नाइटफॉल को क्योर करने के लिए खास तौर से बनाई गई है. तो ये आयुर्वेद पर बेस्ड है. आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उस पर ये बेस्ड है. इसके अगर हम कंटेंट की बात करें, इंग्रेडिएंट की बात करें, इसके अंदर जो हर्बल दवाएं शामिल हैं वो कौन सी हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो इसके अंदर शतावर है ना, जिसे हम लोग शतावरी कहते हैं आयुर्वेद में. मूसली सफेद का इसमें इस्तेमाल किया गया है. कौच के बीज का इसमें इस्तेमाल किया गया है. ये जो कंटेंट हम आपको बता रहे हैं, इसमें मोस्टली ज्यादातर जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमने सेपरेटली आप लोगों को बताया हुआ है कि सतावर क्या होता है, मोस्टली सफेद क्या होता है, अजगन क्या होता है, कौंच क्या होता है. कौंच के बारे में तो बेसिकली हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कई सारी वीडियोज में कि कौंच क्या होता है ना. इसके अंदर शिलाजीत शामिल है, जायफल शामिल है ना, स्वर्ण भस्म और इसी तरीके से लोह भस्म इसके अंदर शामिल है. कैसर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है. तो इस तरह के जो कॉस्टली कंटेंट हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और एक अच्छा कम्बिनेशन है ये. तो अगर हम बात करें कि इसके जो है बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके क्या खास फायदे होंगे NF क्योर कैप्सूल के, तो जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि अगर आपको कसरत इख्तलाम की शिकायत है, अगर आपको जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस की शिकायत है, आपको नाइटफॉल बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम लोग धातु रोग कहते हैं, जिरियान मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या फिर मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग स्पर्मटोरिया के नाम से जानते हैं. अगर स्पर्मटोरिया की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, जिरियान मनी की शिकायत है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, तो अगर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, जिसे हम लोग सुराते इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या फिर आयुर्वेद में उसको हम लोग शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं, तो आप इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लो इरेक्शन, लो लिबिडो, लो डिजायर, लो स्टेमिना, लो एनर्जी, ये सारी कंडीशन जो है आपकी, इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शिलाजीत भी शामिल है, मूसली भी है, सतावर भी है, कौंच भी है. ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके जो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हैं, काफी अच्छे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हैं. आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट होगा, और आपके अंदर जो लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, लो लिबिडो का प्रॉब्लम है, लो एनर्जी, लो स्टेमिना की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी इंशाल्लाह इससे जो है आपके अंदर ये रिजॉल्व हो जाएंगी. सीमेन की क्वालिटी का इशू है, सीमेन जो है, सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं होता है. अगर आमतौर पे ये जो सीमेन के प्रोडक्शन का इशू आता है वो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आता है,
तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो तो करेक्ट होगा ही, साथ साथ में अगर आपको हाइपोस्पर्मिया या हाइड्रोस्पर्मिया की शिकायत है, क्या होता है ये, रिक्कते मनी या किल्लते मनी, मीन्स आपका जो सीमेन है वो वाटरी है, सीमेन जो है वाटरी है, बिल्कुल पानी की तरह है, और दूसरी बात सीमेन जो है आपका बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम मकदार में खारिज होता है, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 बूंद आता है बस, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें भी आपको फायदा होगा। ये स्पेशली इसके खास इंडिकेशन है कि कहां कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका नाइटफॉल, अगर कसरत अहतमाम की शिकायत है तो आप एनएफ क्योर कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि इसके कंटेंट क्या है, एनएफ क्योर कैप्सूल बेसिकली क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है, ये हमने आपको बता दिया। डोजेस पे आते हैं, एनएफ क्योर कैप्सूल जो है इसकी जो डोज होती है वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। आप इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर दूध अवेलेबल है तो दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी डोजेज हो गई हैं। बात करते हैं अपने ओपिनियन के बारे में। एनएफ क्योर कैप्सूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कंटेंट जो है कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, हर्बल दवाएं तो काफी अच्छी शामिल की गई हैं इसमें, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू मी इफेक्टिव होना चाहिए, और जो डिजीजेस हमने आपको बताई हैं इसमें इसके अच्छे खासे इफेक्ट आपको देखने को मिलने चाहिए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का वो इससे फॉलो नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कि अगर आपको ये परेशानी है तो इसके पीछे के कॉजेज और असबाब देखिए आप, वो असबाब और कॉजेज, जो रूट कॉज का जो ट्रीटमेंट होता है, जो जड़ से ट्रीटमेंट होता है, जो बीमारी जड़ से खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट जिस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, वो एनएफ क्योर कैप्सूल से पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इससे आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चाहिए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको अंदर लो एनर्जी लो स्टेमिना है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेरली बेनिफिट चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इससे ये डिजीजेस आपकी क्योर नहीं होंगी। अगर आपके अंदर कोई दूसरा कोज पाया जा रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर नाइटफॉल हो रहा है, अगर कोई दूसरा कोज पाया जा रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन हो रहा है, अगर आपके अंदर कोई दूसरा ऐसा कोज पाया जा रहा है, कोई ऐसा सबब और कारण पाया जा रहा है कि जिसकी वजह से आपके अंदर लो एनर्जी लो स्टेमिना हाइड्रोस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया की शिकायत है, तो फिर ये एनएफ क्योर कैप्सूल से ठीक नहीं होगा। आपको करना क्या चाहिए फिर? अब जाहिर सी बात है हमने आपको एनएफ क्योर कैप्सूल के बारे में बताया है, तो अगर इससे ठीक होगा नहीं तो फिर आप करेंगे क्या? तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको कोई परेशानी है, इस तरह की कोई डिजीजेज हैं और आप चाहते हैं कि इनका क्योरेबल ट्रीटमेंट आपको मिले, आप चाहते हैं कि ये बीमारी आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, फिर से आपको ना हो, ऐसा ना हो कि आप जब तक मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ही आपको आराम है, मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से आपको वही कंडीशन सेम डेवलप हो गई, तो ऐसा अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि इसके जो अच्छे माहिर डॉक्टर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने इसकी तालीम और एजुकेशन हासिल की है, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों से आप कंसल्ट करिए, उन लोगों से मशवरा करिए, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लीजिए, वो आपको सही से अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोसिस, प्रॉपर वे में आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, उसूल इलाज जो है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देंगे, इंशाल्लाह आपकी ये डिजीजेस हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगी, आपकी ये डिजीजेस आपके इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बाकी एनएफ क्योर कैप्सूल के बारे में हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। एक कंडीशन और है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इस तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें, तो आप लोगों के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम पहले से ही अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया हुआ है। ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा बहुत ही पॉपुलर है, बेसिकली पूरी दुनिया के जो पेशेंट हैं, पूरी वर्ल्ड के जो पेशेंट हैं, वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, 9452 से स्टार्ट है, 0944 पर एंड है, इस नंबर पे ही आपको कॉन्टेक्ट करना है। बहुत सारे हमें ये कंप्लेंट मिलती है कि बहुत सारे लोग जो है हमारी वीडियोस को एडिट करते हैं और उस पर अपना नंबर डाल देते हैं, तो आप लोग इससे जो है बिल्कुल परेशान ना हो, हमारा जो नंबर है वो यही है, 94 से जो स्टार्ट हो रहा है, 0944 पे एंड हो रहा है, आपको इसी पर कांटेक्ट करना है अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का स्लॉट है उसको बुक कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रॉपर वे में आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में हमारी आपसे बात होगी, प्रॉपर डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दिया जाएगा और मेडिसिन भी बाय कोरियर आप तक डिलीवर कर दी जाएंगी। होपफुली आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सर्विसेज का फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।